नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल गणित एंड जीएस में। दोस्तों, हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की प्रश्नावली लगा रहे हैं। प्रश्नावली 3.7 दोस्तों हल कर रहे हैं हम आज कक्षा 6 की एनसीईआरटी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। रेणु 75 किलोग्राम और 69 किलोग्राम भारों वाली दो खाद की बोरियां खरीदती है। ठीक है दोस्तों, भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। समझ रहे दोस्तों, दो है खाद की बोरियां, खाद है दोस्तों, खाद खेतों हम लोग डालते हैं, यूरिया आपने सुना होगा, यूरिया यूरिया फास्फोरस विभिन्न तरीके की खादें दी जाती हैं खेतों में फसलों के हिसाब से और मिट्टी की गुणवत्ता के हिसाब से। तो इसमें दो बोरियां हैं दोस्तों, एक है 75 किलोग्राम की, एक है 69 किलोग्राम की। ठीक है दोस्तों, तो हमें कह रहा है वो जो वजन रहता है, ये जैसे करके बट्टा नहीं रहता दोस्तों, ऐसे करके जो रहता है इस पे लिखा रहता है 5 5 kg या 10 kg ऐसे। तो वो कह रहा है कि इस बट्टे का वजन कितना हो कि ये दोनों ही बोरियों को नाप ले। एक ही बट्टा दोस्तों, एक ही ऐसा बट्टा जो रहता है, इसमें लिखा रहता है मान लो कुछ केजी किलोग्राम या किलोग्राम लिखा रहता है उसमें, मान लो कि 3 किलोग्राम है ना। चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा दोस्तों। वो सबसे बड़ा गुणनखंड ये कह रहा है अधिकतम मान लिया कीजिए, बट्टे का अधिकतम मान। ऐसे तो हम 1 किलो का भी लेके नाप सकते हैं दोनों, मगर ये सबसे बड़ा बट्टा पूछ रहा है। तो क्या होगा दोस्तों, सबसे बड़ा सार्व गुणनखंड हमें निकालना होगा। सार्व गुणनखंड यानी कि सार्व यानी क्योंकि दोनों में ही गुणनखंड हो, सबसे बड़ा अंक वो कौन सा है दोस्तों। सबसे बड़े सार्व गुणनखंड को ही कहा जाता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों, चलिए निकाल लेते हैं इसका। 75 और 69 किससे कटेगा दोस्तों, 3 से कटते हैं दोनों, ये हो जाएंगे 25 तीन 75 और 23 तीन 69। फिर से अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा दोस्तों, दोस्तों अब नहीं कटेगा। तो महत्तम समापवर्तक या सबसे बड़ा सार गुणनखंड क्या आ गया, 3 kg। हमने यहाँ पे ऐसे ही लिखा था 3 kg दोस्तों, वही सही निकल गया, ये आ गया आपका उत्तर पहले। ठीक है दोस्तों, कि 3 किलो का बट्टा लेंगे जो दोनों ही बोरियों को हमारे नाप देगा। ठीक, ठीक है दोस्तों। आइए चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों क्या कह रहा है। तीन लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। तीन लड़के हैं दोस्तों, एक ही जगह से शुरू करते हैं, उनके कदमों की माप क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। दोस्तों कहा जाता है कि आमतौर पर 1 मीटर से कम ही, मतलब आधे मीटर से ज्यादा और 1 मीटर से कम एक कदम में आदमी चलता है आमतौर पे। वैसा ही दोस्तों यहाँ पे दिया है, देख रहे हैं। और सबके अलग अलग होते हैं दोस्तों, उनकी हाइट और उनकी पैरों की जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कि कितने बड़े कदम होंगे और कैसी उनको चलने की एक आदत पड़ गई है। तो एक 63 सेंटीमीटर है, एक 70 सेंटीमीटर है, एक 77 सेंटीमीटर, ऐसे करके अपने कदम बढ़ा के चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसे करके ये डिस्टेंस दी हुई है हमें, एक की 63 है दोस्तों और एक की है 70 और एक की है 77 सेंटीमीटर। एक की है ऐसे, एक ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आदमी चल रहे हैं, तीन लोग चल रहे हैं दोस्तों।
इक्की थोड़ी और ज्यादा है, 77 सेंटीमीटर। कह रहे इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरी पूरे कदमों में तय हो जाए। समझ रहे हैं दोस्तों, कह रहा है वो न्यूनतम दूरी कितनी होगी, न्यूनतम दूरी जिससे ये तीनों ही एक पूर्णांक कदम रहे, तीनों का ही एक पूर्णांक रहे। ऐसे तो कोई भी दूरी रख दें तो एक दशमलव में आ जाएगा कि इतने इतने कदम, 0.34 कदम या साढ़े साढ़े मतलब 0.5 0.6 ऐसे करके तो आ सकता है, परंतु हमें पूर्णांक में चाहिए कि वो कौन सी दूरी है कि तीनों ही लोग बराबर कदम में पहुंचे, मतलब कि वो पूर्ण कदम में पहुंचे। ऐसा नहीं किसी का आधा कदम हो या किसी का 1.5 कदम हो या किसी का 1.25 कदम हो, ऐसे ना हो, तीनों ही लोग जो हैं वो लोग एक पूर्ण संख्या में पहुंचे, पूर्ण संख्या हो कदमों की। अब वो कम से कम दूरी कितनी हो, कम से कम वो दूरी हमसे पूछ रहा है कि कितनी 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 दूरी हो कि ये तीनों ही बराबर पहुंचे। तो दोस्तों हमें क्या निकालना होगा इसके लिए, ऐसी संख्या हमें निकालनी होगी जो कि इन तीनों का ही सार्वगुणज, सार्वगुणज हो, गुणज पहाड़ा जो पढ़ देते हैं ना दोस्तों, 63 गुणे 3, 63 गुणे 4, 63 गुणे 5, 70 गुणे 1 2 3 4 5, 77 गुणे, तो वो कौन सी न्यूनतम संख्या आएगी, ऐसी संख्या जो उन तीनों के ही सार्वगुणज हो, तीनों का ही सार्वगुणज, तीनों का ही प्रथम प्रथम सार्वगुणज, सबसे छोटी कह रहा है न्यूनतम, तो जो पहला सार्वगुणज आएगा तीनों का ही। ऐसे तो 63 का एक ही 63 भी है और फिर 126 भी है, मगर तीनों का जो न्यूनतम आएगा, तो देख लेते हैं दोस्तों हमें निकालना है इसके लिए सार्वगुणज के लिए लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम यानी न्यूनतम, समापवर्तक यानी गुणज, वो संख्या है ना जो लघुत्तम हो और तीनों का ही गुणज। देख लेते हैं दोस्तों 63, आप ये भी देखें कि किस प्रकार से लघुत्तम निकाला जाता है। इसको दोस्तों हम 7 से भाग देते हैं, 7 में 63, 10 और 11। ठीक है दोस्तों, लघुत्तम आपने महत्तम देखा था कि हम उस संख्या से भाग देते हैं जो तीनों को ही विभाजित कर दे और बस वहीं रुक जाते हैं, परंतु जो लघुत्तम समापवर्तक है दोस्तों इसमें हमें रुकना नहीं है जब तक सारे ही एक ना हो जाए, सारी ही संख्या को हमें एक बनाना है। 3 ये 10 ही रहेगा, ये 11 ही रहेगा, फिर से 3 से करेंगे, ये 1, ये 10 और ये 11। अब हम लोग कर देंगे दोस्तों ये 11, मान लिया 11 से करके इसको खत्म करते हैं, ये 1, ये 10 और ये 11। अब हम 2 से करते हैं तो ये 1, ये 5 और ये 11। अब हम 5 से करते हैं, ये सॉरी ये यहीं एक हो चुका है, ये यहीं पे एक हो चुका है, हमने 11 से जब भाग किया, तो 11 से भाग किया था ना दोस्तों, यहाँ तो ये 11 था, यहीं पे एक हो गया और ये 5, अब तीनों ही एक हो गया दोस्तों। जहां हमने तीनों को ही एक बना दिया, अब इसको गुणा कर ले आप, जो संख्या आएगी वही होगी लघुत्तम और वही होगी आपकी न्यूनतम कदमों का और वही होगा न्यूनतम सार्वगुणज। ठीक है दोस्तों, आइए गुणा करें, 7 त्रिक 21, 21 तिया 63, 21 तिया 63 है ना दोस्तों, 63 ये हो गया और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 का 11 से करेंगे तो 110, 110, 63 का 11 से कर दिए दोस्तों, 11 तिया 33 के 3 3 8 11 6 66 और 3 69, और ये जो 0 था 6930। दोस्तों 6930 वो न्यूनतम कदमों की संख्या होगी, न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी होगी जिससे हम तीनों ही पूर्णांक बनाएंगे।